मुंबई समुदाय पर बनी फिल्म ख्वाजा मेरे ख्वाजा का संगीत हुआ लॉन्च। यह फिल्म दो भाइयों के बीच की कहानी है। इस फिल्म में दो अभिनेता कुणाल सिंह और समीर खान है। इसके अलावा अभिनेत्री शहबा खान भी नजर आएंगी मुख्य भूमिका में। कलाकारों से हमारी तेलुगु 24 की टीम ने की खास बातचीत। सबसे पहले बात तो आपको बहुत ढेर सारी मुबारकबाद तेलुगु 24 और रवि रॉय को। हम आप इसके बारे में जाने आप तीनों से जाना चाह रहे हैं, एक एक करके पहले आप। ओके ये जो पिक्चर है ये ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर बनाई गई है। उनके जो जैसा बताया गया है उनके करिश्मे, मतलब उनका हम तो कुछ बता ही नहीं सकते। जैसा एक सूरज को हम दिया बता रहे हैं, बस यही समझिए आप। ये बस एक ड्रामा है जिसमें बताया है तकलीफें बहुत आती है, ख्वाजा जी के कर्म से सब दूर हो जाते हैं। इस फिल्म को जैसा कि बताया साहिब जी ने, सच में मतलब एक हमारी खुशकिस्मती है, हमारा नसीब है कि हम ख्वाजा साहब से रिलेटेड फिल्म कर रहे हैं। और मेरे लिए खासतौर से मैं ये पहली मेरी फिल्म है एज अ लीडिंग आर्टिस्ट, तो मैं बहुत ही अपने लिए एक मील का पत्थर मानता हूँ इस फिल्म को। ख्वाजा साहब से जुड़ी हुई है और काफ़ी मेहनत की हम सब ने। आप लोगों की बेस्ट विशेष चाहते हैं, ऑडियंस की बेस्ट विशेष चाहते हैं, उनको पसंद आए, बस इतना ही चाहते हैं। मैं चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि अगर कोई एक जर्रे को आफ्ताब बनाना सीखे तो बस वो ख्वाजा गरीब नवाज से सीखे। मैं कुछ नहीं था, आते आते मेरी ख्वाजा गरीब नवाज पे एक ऊपर वाले करम हुआ और ख्वाजा गरीब नवाज की नज़रें इनायत हो गई, जो मुझे फिल्म मिली। और इस फिल्म से मैं 3-4 फिल्में में आज मैं काम कर रहा हूँ और लोग मुझे जान रहे हैं और जानते रहेंगे। इसका सब क्रेडिट जो जाता है वो ख्वाजा गरीब नवाज को जाता है। उसके बाद जो अनीस अहमद साहब और श्री गोपाल साहब, बाकी तमाम जो टीम्स हैं, पिक्चर बहुत अच्छी बनी है और अब इंतज़ार की इंतहा हो गई है और चाह रहे हैं कि 24 मार्च कब आए और कब हम अपनी फिल्म को पर्दे पर देखें। और दुआएं करते हैं कि फिल्म हिट हो, सबका काम बहुत अच्छा लगे, पसंद आए, यही हम कहना चाहेंगे। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि शूटिंग चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ। वी आर जस्ट एंजॉयिंग, को-स्टार कोई थे ही नहीं, ऐसा समझो वी आर जस्ट योर फ्रेंड्स एंड लाइक अ फैमिली। ऑन स्क्रीन बताऊं या ऑफ स्क्रीन बताऊं? नहीं नहीं नहीं, हम वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स और हम सभी एक नज़रिए से देखा जाए हम सभी ने एक अच्छा आगाज़ किया इस फिल्म के ज़रिए, काफ़ी मेहनत भी की है और एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छी फ्रेंडशिप हम लोगों के बीच में, एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई इस फिल्म के मतलब मद्देनज़र देखा जाए तो। और आगे चल के अच्छा कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा इस फिल्म के साथ साथ और आगे अपने फ्यूचर के लिए अच्छा काम करें। बस काफ़ी मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा साथ में काम करके सबके साथ। अभी तो एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे बातें चल रही हैं हमारी और कुछ इस फिल्म के जो हमारे मतलब कुछ थोड़ी बहुत जो अपने प्रोमोज वगैरह हैं उसको देख के काफ़ी लोगों ने अप्रोच किए हैं हमको कि हम ये मतलब काफ़ी अच्छे अदाकारा हैं, ये अदाकार काफ़ी अच्छा, तो मतलब कोशिश की है। अब देखिए कि कहाँ तक ऊपर वाला चाहता है कि साथ में किस फिल्म में कब आगे दोबारा देखते हैं। गाने तो नहीं नहीं गाने तो माशाल्लाह मतलब बहुत सारे गाने एक से बढ़कर एक हैं, मतलब आप कह नहीं सकते कि ये गाना ये है। टाइटल आप सुनेंगे ख्वाजा मेरे ख्वाजा साहब का, सलामत साहब ने गाया है, वन ऑफ द मतलब लेटेस्ट मतलब सिंगर, मतलब बहुत ही बेहतरीन है, उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी बुलंद है, तो सभी गाने एक से एक बेहतरीन है। ईद का एक सॉन्ग है जो कि ईद में मतलब एक हमेशा देखा जाता है कि ईद से एक खुशी वाला एक रिलेटेड सॉन्ग होता है, लेकिन ये थोड़ा सा गम है कि यार एक टाइम पे हमने ऐसी ईद मनाई थी और अभी कुछ ऐसे हालात हैं हमारे जिसकी वजह से आजकल का ईद का हम इस तरह के, तो वो भी गाना बहुत ही अच्छा बन पड़ा है। एक रोमांटिक सॉन्ग है जो कि उसका म्यूज़िक भी निखिल साहब ने दिया है, बहुत ही प्यारा है, ताजमहल के सामने शूट किया हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा बन पड़ा है वो भी, तो गाने सभी एक से एक बेहतरीन है। आप ये कह दीजिए कि कौन सा हम लोग सुना रहे हैं। जिंदगी बिन तेरे यूं गुजारा किए, हर तसव्वुर को हम यूं सवारा किए, आज हम फिर मिले भूल जाओ गिले खुदा के लिए। जिंदगी बिन तेरे
यूं गुजारा किए। अच्छा ये बताइए आप फेमस में जाना चाहूँगा, इन दूसरे को रियल लाइफ में कितना जान समझिए कितना जान गया इस फिल्म के दौरान रियल लाइफ में देखिए मैं सच बोलने वाला बंदा हूँ मतलब मुझे छोड़ दिए, ये हमारे फिल्म के विलन है, मतलब मेन किरदार जो खलनायक है हमारे फिल्म के अरविंद टाइटलर जी, ये मतलब है खलनायक लेकिन दिल से सबसे मतलब पाक साफ इंसान है ये, और जो मतलब हम जो लीडिंग हीरोज़ हैं या हमारी हीरोइन हैं या अदाकारा हैं मुझे छोड़ के, मतलब इनको साइड करते हैं तो मुझे छोड़ के ये दोनों तो बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, इनको मतलब इनकी इनकी बात में क्या कहूँ आपको, बस ये एडिट कर दीजिएगा ये पोर्शन ये मतलब महान इंसान है, महान शख्सियत हैं ये लोग, तो बाकी अपने मुँह से तारीफ करवाइए इन लोगों से। क्या जवाब भाई, भाई हैं दोस्त हैं, जो कह देंगे वो कबूल है, बाकी बहुत ढेर सारी मस्ती की शूटिंग है और इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से और ख्वाजा के नवाज से कि हम लोगों की टीम ऐसे ही और आगे चलाए और फिल्में बने, हम लोगों की टीम पब्लिक पसंद करें, प्रोड्यूसर डायरेक्ट हम लोगों को साथ में काम लेके करें, यही मेरी तमन्ना है। और एक फिल्म के गीत के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, गीत भी अच्छे हैं लेकिन जो ख्वाजा गरीब नवाज का दो लफ्ज मुझे याद है वो मैं सुना पसंद करता हूँ। दुनिया का तो सहारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दुनिया का तो सहारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा, है जान से तो प्यारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा। तो ये जो लाइन है जो लिखी है बेकीमती है, अनमोल है, जिसका कोई शानी नहीं, और जो है ख्वाजा साहब की करामत है, जैसा नाम है वैसे गीत भी लिखा है जो हर दिल अजीज होगा। गीत बज रहे हैं चैनल को, 24 मार्च का इंतज़ार है, इंशाल्लाह वो दिन बहुत जल्द आए कि हमारी कामयाब हो, हिट हो, और बखूबी जैसे कि एक अहम भूमिका होती है किसी भी अच्छी खासी हस्ती खेलती फैमिली में, जब तक दरार ना पैदा करने वाला हो तो पब्लिक का